क्या बोले? आपका ब्लॉग का नाम क्या है? डीजे प्रिंस ब्लॉग। यहाँ निकल आए ना आपका ब्लॉग तो लग जाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है यार, देखो पूरा टूट के लटक गया है यार की वाले हाथ, देखो मेरा कितना लग गया हाथ में, पूरा ये फट गया। डेली रिएक्शन पे एक वीडियो बनाऊंगा कि डेली पब्लिक रिएक्शन एंड रोड पे क्या होता है, आपको वो दिखाने का ट्राई करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं ब्लॉग बनाना चालू किया हूँ। एंड जैसे कि अभी मैंने जॉब चेंज किया तो यहाँ पे थोड़ा शेड्यूल मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न्यू जॉब है ना, सो टाइमिंग अभी सीखने में ज़्यादा जा रहा है। एंड एक बार सीख जाएंगे तो कैसा हैबिट हो जाती है एंड टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड सॉरी गाइज, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत मिस किया मैंने, ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गाइज राइट नाउ मैं अभी जॉब पे हूँ एंड मैं विजिट पे जा रहा हूँ, एंड मॉर्निंग का टाइम है ये, तो एक विजिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी सेकंड विजिट जा रहे हैं, एंड जहाँ पे मुझे सोसाइटी में विजिट करना होता है। एंड गाइज काफ़ी अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा जॉब है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिल रहा है मुझे, तो अभी देखते हैं मेरी जर्नी कहाँ तक जाती है। लाइक मैंने जैसे एयरटेल में किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा एंड अच्छी लाइफ हो मेरी, सो ऑल द बेस्ट मुझे बोल दो यार, आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। तो गाइस हमारे महाशय बिना हेलमेट के घूमते हैं हमेशा, ये देखो इधर सामने भी, ये भी बिना हेलमेट के घूम रहे। पानी का बॉटल ले लेता यार, क्या बोले? आपका ब्लॉग का नाम क्या है? डीजे प्रिंस ब्लॉग। यहाँ निकल तुम लोग को भी डालता हूँ वीडियो में, तुम लोग भी आएंगे। पानी ले रहा हूँ, अंकल पानी का बॉटल है 10 वाला देना। क्या पूछ रहे थे आपका? वो मैं YouTube का चैनल है ना मेरा। अच्छा अच्छा, हाँ तो पूछ रहे थे। अच्छा डीजे, हाँ डीजे प्रिंस ब्लॉग, ब्लॉगिंग करता हूँ। नहीं वो लोग देखते ना ऐसे, वो लोग वीडियो देखते रहते हैं। तो गाइस पानी पी के आपको मिलता हूँ। गाइस अभी जस्ट हम लोग सेकंड विजिट के लिए यहाँ आए थे, और अंदर आते टाइम मेरा कैमरा ऑन था नहीं, तो मुझे ध्यान में गया नहीं कि मेरा कैमरा ऑन नहीं है, और जैसे हम लोग लेफ्ट लिए और अंदर जाते टाइम वहाँ पे यार बीच में डॉगी आ गया एंड मैं गिर गया। देख सकते हैं मेरी गाड़ी को कितना नुकसान लगा है, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पे पूरी गाड़ी स्क्रैचेस पूरा आ गया, देखो ये कितना लग गया यार, बहुत बुरा लग रहा है यार, देखो पूरा टूट के लटक गया है यार, क्या बताओ आपको। अभी सुबह सुबह ऐसा हो गया ना, मेरे पे भी देखो पूरा स्क्रैच, सुबह सुबह ऐसा हो गया, क्या बताओ, पूरा पूरा दिन ऐसा ख़राब चले गया यार, और इधर पर साइलेंसर में भी लग गया है यार, पूरी गाड़ी की वाले हाथ देखो मेरा कितना लग गया हाथ में, पूरा ये फट गया, और पैर में भी मेरा लगा है, देखो पैर दिखा दो, देखो पैर में भी पूरा लग गया, और शोल्डर पे भी थोड़ा स्क्रैचेस आ गए यहाँ पे यार। कैसा हुआ ना, वो जो गली में से जैसे हम लोग अंदर लेफ्ट लिए एंड वहाँ पे कैसा, वो अंकल ने ना गाड़ी पीछे निकाल रहा था एंड डॉगी के ऊपर उसने पैर मारा, तो डॉगी पीछे आया और सीधा अंदर गाड़ी के अंदर घुस गया, और गाड़ी मेरी हो गई डिसबैलेंस और मैं गिर गया। वो तो ना सिर्फ स्लो स्पीड में था एंड मैंने हेलमेट पहना था तो इतना लगा नहीं, और देखा देखो पूरा टायर पूरा घस गया यहाँ पे, तो अभी ऐसा कुछ सीन हुआ यार, क्या बोलो अभी। तो गाइज आपने जैसे देखा कि अभी मेरा बाइक का हालत क्या हो गया है, एंड कैमरा बंद था उस टाइम पे तो दिखा नहीं पाया कि कैसा एक्सीडेंट हुआ। देखो यहाँ पे यही डॉगी है जो बीच में आया था, एक अच्छी बात है कि वो सही सलामत है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, नहीं तो बेचारे का टांग विंग टूट जाता, मेरा तो हाथ टूट गया थोड़ा।
यहाँ पे, और हाथ में स्क्रैचेस सब आ चुके हैं, तो ज़्यादा लगा नहीं, अच्छा हुआ कि ऊपर वाले की कि ज़्यादा लगा नहीं, और हेलमेट पहना था मैं तो सेफ्टी था उसमें, इसलिए हेलमेट पहन के घूमना चाहिए। एंड आप लोग भी अगर बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनना, आपको भी इसे सीख मिलनी चाहिए कि हेलमेट था तो इसलिए मैं बचा हूँ, नहीं तो स्क्रैच आ जाता मुँह पे भी। सो चलो मिलते बाइक के ऊपर, सो बाय। तो गाइस विजिट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ बाइक के ऊपर, और सब कंप्लीट होने के बाद जाते बाइक का कुछ मरम्मत कराएंगे। सो स्टे ट्यून, मिलता हूँ आपको काम खत्म करने के बाद। 3 hours later. तो गाइस फाइनली मेरा काम खत्म हो गया है एंड अभी जा रहा हूँ घर पे। तो जाते अभी दहीसर में, वहाँ पे जो बाइक का पार्ट लेना वो लेके आते हैं वहाँ से जाके, और मिलता हूँ आपको सीधा शॉप के ऊपर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या बोलता है, क्या बोला था तूने? लेग गार्ड चाहिए था। हाँ, सिंगल वाला ना। हाँ, उसमें एक रॉड टाइप भी आता है क्या, चेसी में जो लगता है डायरेक्ट? वो पूरा एक आता है, वो अलग आता है। कल ये परसों ही दिया मुझे, डाल दे डाल दो। ये तो एक बोल्ट के ऊपर टिकता है ना ये वाला? हाँ, ये एक बोल्ट पे टिकता है, लेकिन वो अच्छा रहेगा ना, पूरा सेफ्टी देता है। मेरे पास फोटो भी रुका है। नहीं मतलब रॉड जैसी रहेगा लेकिन चेसिस में फिट होता है ये, सिंगल सिंगल एक रहते हैं। हाँ, एक एक बोल्ट पे फिटिंग होगा, एक इधर हाँ, बोल्ट पे एक हाँ, और दूसरा जो रहता है ना हाँ, वो चार बोल्ट पे रहता है, एक इधर से रहता है, एक नीचे से, किधर से रहता है बोल्ट पे। अच्छा, दिखने में सेम दिखता है ना भाई, देख के लिखा था एक बार, देखो भरोसा। दिखने में सेम दिखता है कि अलग दिखता है? अलग है ना, दोनों चीज़ बहुत अलग है। रुक दिखा दो, रुक, इसमें फोटो है मेरे पास। अच्छा, ग्लव्स है ना? हाफ वाले फुल खत्म, फुल खत्म, हाफ वाले है। अच्छा, आज गाड़ी गिर गई ना सुबह सुबह, कुत्ता आ गया बीच में, बंद है ना? नहीं नहीं, गाइस हमने ले लिए ये रेड कलर का एंड अभी इसे फिटिंग करेंगे। सो आपको मिलता है बाइक के ऊपर, क्योंकि इनके पास ग्लव्स फुल है नहीं। फिटिंग मारना है ये लेग गार्ड, क्या लगता है ना डंडी? हाँ, रॉड लगता है ना, वो लगाना है। अब इसको खोल के चिपकाना पड़ेगा। कैसे हुआ? अरे जा रहा था, कुत्ता घुस गया अंदर। वर्जन 3, ए वर्जन 4 है ना? नहीं, 3 फट गया। गिर गई थी गाड़ी। अरे गिर गई ना, कुत्ता आ गया आगे। हाँ जी, हाँ है क्या? हाँ भाई, सवेरे सवेरे 8 बजे निकल गए एकदम गाड़ी पे सवार थे। इसको एलिंगी से पहले टाइट कर देना, ये टाइट करना बाकी है थोड़ा। चालू है, तेरे को भी ले रहा आज, तुझे आना वीडियो में। So guys, अभी यहाँ पे पैनल का देख सकते हो, हम लोग मरम्मत कर रहे हैं अभी। So guys, फाइनली हम लोग का हो गया है। ये मेरा भाई है जो हेल्प कर रहे थे मेरे। देख सकते हम लोग ने पूरा ये कर दिया अभी फिटिंग, इसको पूरा पैनल निकाल के गार्ड लग चुका है। सो चलो अभी ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। देखता अगर ग्राफिक वाले के पास जाऊंगा तो एक लुक आपको दिखा दूंगा कि कैसा दिख रहा है। सो तब तक लिए स्टे ट्यून, और ऐसे वीडियो ख़त्म होगा तो तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड लक, बाय।